हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईडी स्टडी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे खनिज संसाधन के बारे में और जानेंगे कौन कौन से राज्य किस खनिज के मामले में और उसके उत्पादन में अग्रणीय राज्य है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। ये 2020 का पूरा अपडेटेड डाटा है, इसे एग्जाम में हर एक बार एक नए क्वेश्चन रहते हैं, इसलिए इसको बहुत गौर से देखिएगा। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। चांदी और जिप्सम का सबसे ज्यादा उत्पादन राजस्थान राज्य में होता है। चांदी और जिप्सम, जिप्सम एक चूना का ही यौगिक होता है। चांदी और जिप्सम का सबसे ज्यादा उत्पादन राजस्थान राज्य में होता है और राजस्थान में एक क्षेत्र है खेतरी, इसको भी याद रखिएगा। यह तांबे के उत्पादन के लिए जाना जाता है। यहाँ पे तांबे अच्छे मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में। तो खेतरी जो क्षेत्र है राजस्थान में, वो तांबे के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट आते हैं चूना पत्थर, तांबा और हीरा। चूना पत्थर, तांबा और हीरा का सबसे ज्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य में होता है। हीरा याद रखिएगा, ये पन्ना के खान से पाया जाता है जो कि मध्य प्रदेश में है। इसी के नाम पर हीरा पन्ना ज्वेलर्स भी है, आपको पता होगा। तीन पॉइंट, चूना पत्थर, तांबा और हीरा मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा इसका उत्पादन होता है। तांबा पहले राजस्थान में राजस्थान राज्य में होता था, उसका उत्पादन सबसे पहले सबसे ज्यादा, लेकिन फिलहाल ये वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य में होता है। नेक्स्ट आते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम या फिर कच्चा तेल या फिर नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, इसका उत्पादन सबसे ज्यादा मुंबई में होता है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा उत्पादन पेट्रोलियम, कच्चा तेल और नेचुरल गैस का करता है। मुंबई है जो कि महाराष्ट्र का अपतटीय क्षेत्र है, महाराष्ट्र के तट पर ही है। यह ऐसा क्षेत्र है जहां पे भारत का 80% पेट्रोलियम पाया जाता है या फिर उत्पादन किया जाता है मुंबई हाई से। मुंबई के बाद गुजरात का स्थान आता है पेट्रोलियम उत्पादन में, और गुजरात का अंकलेश्वर क्षेत्र भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको भी नोट करते चलिएगा और याद करते चलिएगा। गुजरात का अंकलेश्वर भी पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। तो पेट्रोलियम उत्पादन में सबसे पहले महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात। मुंबई हाई सबसे ज्यादा उत्पादन करता है जो कि महाराष्ट्र का तटीय क्षेत्र है, और गुजरात का अंकलेश्वर जो कि इसके तट पर ही पड़ता है। तटीय क्षेत्र में ही पेट्रोलियम पाए जाएंगे क्योंकि वहां पर जितने भी जीव जंतु मरते हैं, मछलियां मरती है, वही बहुत सालों बाद सर के पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसी को प्यूरिफाई करके हम लोग पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सब प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट आते हैं सोना। सोना का सबसे ज्यादा उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है और कोल्लार का खान सोने के उत्पादन के लिए ही जाना जाता है। थोरियम यह एक अधात्विक खनिज है। खनिज भी तीन प्रकार के होते हैं, धात्विक, अधात्विक और एक ऊर्जावान खनिज। जैसे थोरियम हो गया, लोहा हो गया, ये सब धात्विक खनिज है। सिलिका हो गया, ये सब अधात्विक खनिज है। यूरेनियम हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब ऊर्जावान खनिज है। तो थोरियम का सबसे ज्यादा उत्पादन केरला राज्य में होता है। नेक्स्ट आते हैं कोयला। कोयला का सबसे ज्यादा उत्पादन छोटा नागपुर के पठार से, जो कि झारखंड में, वहां पे सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन होता है, इसलिए हम लोग झारखंड को रूर प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। दामोदर घाटी, घाटी किसको बोलते हैं, जो पहाड़ से कटा छटा रास्ता होता है उसको घाटी बोलते हैं। तो दामोदर नदी द्वारा जो घाटी बनाया गया है, वो घाटी किस चीज के लिए जाना जाता है, तो कोयले के लिए जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में भी एक क्षेत्र है रानीगंज, ये भी कोयले के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो तीनों पॉइंट याद रखिएगा, दामोदर घाटी, रानीगंज किस चीज के लिए, कोयले के लिए, और कहां से, तो छोटा नागपुर के पठार से, जहां पे कोयला का भंडार भी सबसे ज्यादा है और उत्पादन भी सबसे ज्यादा करता है झारखंड। नेक्स्ट आते हैं लोहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोहा, निकेल, मैंगनीज और बॉक्साइट। बॉक्साइट एक एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो लोहा, निकेल, मैंगनीज और बॉक्साइट का उत्पादन सबसे ज्यादा उड़ीसा करता है। उड़ीसा भारत का सबसे ज्यादा खनिज उत्पादन करने वाला राज्य है। सबसे ज्यादा भंडार तो कर्नाटक राज्य में है, लेकिन उत्पादन कौन करता है सबसे ज्यादा, उड़ीसा राज्य करता है। उड़ीसा का क्षेत्र है सिंहभूम। यह उड़ीसा और झारखंड के सीमा पर पड़ता है। यह एक चट्टानी क्षेत्र है जो लोहे के उत्पादन के लिए ही जाना जाता है, सिंहभूम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं दांती देवा। ये छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ का दक्षिण में है। यहाँ पे एक पठार है बस्तर का पठार। तो बस्तर का पठार जो है वो टीन के लिए, टीन के उत्पादन के लिए ही जाना जाता है। तो भारत का एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़ है जो टीन का उत्पादन करता है, और वो कहां से होता है, तो बस्तर के पठार से, और जगह का नाम है दांती देवा। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। तो छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा उत्पादन टीन का करता है। नेक्स्ट आते हैं यूरेनियम और माइका। यूरेनियम और माइका का सबसे ज्यादा उत्पादन आंध्र प्रदेश राज्य में होता है। आंध्र प्रदेश का तुमालापाली, ये सबसे ज्यादा फेमस है
यूरेनियम उत्पादन के लिए, और झारखंड का जादू गोरा ये भी फेमस है यूरेनियम उत्पादन के लिए। तो यूरेनियम और माइका यदि पूछा जाए कौन से राज्य में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, तो आंध्र प्रदेश में। यदि खान का नाम पूछा जाए तो आप बोलेगा जादू गोरा की खान से सबसे ज्यादा यूरेनियम की प्राप्ति होती है, जो कि झारखंड राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कोयला। देखिए कोयला का उत्पादन सबसे ज्यादा तो झारखंड में ही होता है, लेकिन कोयला भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे एंथ्रासाइट जो सबसे अच्छे किस्म का कोयला है, फिर पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस। लिग्नाइट किस्म का कोयला जो है वो सबसे ज्यादा तमिलनाडु में इसका उत्पादन किया जाता है, और तमिलनाडु के बाद स्थान आता है राजस्थान का। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, दोनों एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे ज्यादा लिग्नाइट कोयला का उत्पादन तमिलनाडु राज्य में होता है, उसके बाद राजस्थान में। तो इतने पॉइंट्स हमने जाने। नेक्स्ट आते हैं तेल। तेल का कुआं सबसे पहले आसाम में खोदा गया था, आसाम के माकू में, लेकिन ये बहुत ही छोटे लेवल का था। और बड़े स्तर पर असम के दिगबोई में तेल कुआं सबसे पहले खोदा गया, जो उद्योग का रूप ले लिया। तो याद रखिएगा दिगबोई सबसे पहले पूछे तो माकूम, और बड़े स्तर पर सबसे पहले तो असम का दिगबोई। माकूम जो है वो सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे पहला तेल कुआं माकूम में ही खोदा गया था। ONGC जो कि सारे तेल क्षेत्र, एक सार्वजनिक कंपनी है जो तेल क्षेत्र पर नियंत्रण रखता है, उसकी स्थापना 1956 में हुई, और OIL कि 1959 कर लीजिएगा, तो OIL का स्थापना 1959 में हुआ था, जो कि एक ऑयल इंडिया कंपनी का लिमिटेड का कंपनी ही है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। इतने सारे पॉइंट्स हमने डाले जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। चांदी और जिप्सम राजस्थान, चूना पत्थर और तांबा मध्य प्रदेश, और हीरा भी मध्य प्रदेश, और पन्ना खान हीरे के उत्पादन के लिए जाना जाता है। पेट्रोलियम कच्चा तेल या नेचुरल गैस, देखिए हम लोग कच्चे तेल से ही पेट्रोलियम पाते हैं, और जहां पे पेट्रोलियम मिलेगा वहां पे नेचुरल गैस मिलेगा, या फिर तीनों एक ही चीज एक ही जगह उत्पादन होंगे जहां भी होंगे सबसे ज्यादा। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा पेट्रोलियम कच्चा तेल और नेचुरल गैस कहां पे, तो महाराष्ट्र से, और मुंबई हाई जो है वो तेल उत्पादन के लिए, देश का कुल 80% तेल यहीं से उत्पादन किया जाता है। गुजरात का अंकलेश्वर यह भी पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए ही जाना जाता है। नेक्स्ट सोना कोल्लार के खान से, यूरेनियम और माइका आंध्र प्रदेश से, इसमें दो जगह तुमालापाली और जादूगोरा, जादूगोरा झारखंड में है। लिग्नाइट कोयला तमिलनाडु, उड़ीसा, लोहा निकेल मैंगनीज और बॉक्साइट का सबसे ज्यादा उत्पादन उड़ीसा राज्य में होता है। रानीगंज दामोदर घाटी और छोटा नागपुर का पठार कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है, रूढ़ प्रदेश इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं। और नेक्स्ट है ये माकूम, जहां पे सबसे पहला तेल कुआं खोदा गया था, और दिग्बोई आसाम का, जहां पे सबसे पहला तेल शोधक कारखाना खोला गया था आसाम में। ठीक है, तो दोस्तों ये पूरा 2020 का अपडेटेड डाटा है, इसलिए इसको याद रखिएगा, एग्जाम में हर एक बार इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और बहुत बहुत धन्यवाद हमें सपोर्ट करने के लिए। और यदि और ऐसे वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें।